जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज मैंने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। अगर हम इसको डेली प्रेफर करें ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होता है। तो वैसे तो हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं पर आज मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है और कढ़ाई में जो बना के इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि क्या है कि प्रेशर कुकर में जब भी बनाते हैं तो प्रेशर कुकर कभी कभार इतनी ज़्यादा गंदा हो जाता है कि मन ही नहीं करता दलिया बनाने का। तो मैंने इसको कढ़ाई में ही एक कटोरी ये मल्टीग्रेन दलिया लिया है और उसको कम से कम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर देंगे। और फ्लेम इस टाइम पे हमारी मीडियम फ्लेम रहेगी, जिससे कि मीडियम टू लो फ्लेम रहेगी, जिससे कि हमारा ये दलिया बिल्कुल जले ना और इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन कलर का। अब तड़के के लिए इसको इसमें अलग से मैंने थोड़ा सा ये लहसुन ले लिया है और थोड़ा सा 1 इंच के बराबर इसमें अदरक ले लिया है और इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इसका पेस्ट बनाते हैं तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता। अगर हम क्रश करके उसमें डालेंगे दलिए में और उसका तड़का इस तरीके से लगाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको क्रश करके ही यूज़ करना। अभी हमारा दलिया भी अच्छे से हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का हो गया है तो इसको हम एक साइड निकाल देंगे। बहुत ही अच्छा दलिया तैयार होता है। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई में बनाओगे तो आपको घर में कभी बनाना ही भूल जाओगे, क्योंकि कुकर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। घी मतलब दलिया में घी का घी से तड़का लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो कोशिश करना कि घी से ही तड़का लगाएं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने लिए हैं, जीरा लिया है और जो हमने अदरक और जिंजर का पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको सॉटेट करेंगे। अब इसमें प्याज डाल दी है, वो भी मैंने फाइनली चॉप्ड कर ली थी। इसको भी कम से कम 2-3 मिनट के लिए सॉटेड करेंगे। सिर्फ एक ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए इसमें, ज़्यादा हमें प्याज को पकाना नहीं है, ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं करना है। बस 2-3 मिनट के लिए इसको इस तरीके से सॉटेड करना है कि इसका एक कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये देखिए हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर से पहले हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च अगर हम प्याज के साथ ही हम इसको फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि प्याज के बाद पहले हरी मिर्च डालूँ फिर उसके बाद टमाटर डालूँ। तो मैंने ये हरी मिर्च डालने के बाद इसमें टमाटर डाला है। टमाटर को भी हम ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस जितना अपने आप पकता है उसी हिसाब से उसको कराना है 2-3 मिनट तक ऐसी इसी तरीके से। अब इसमें छोटे छोटे कट करके आलू भी डाल दिए। आप जितनी भी आपके पास वेजिटेबल है वो आप इसमें फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, पर अभी मैंने इसमें सिर्फ प्याज टमाटर और आलू डाला है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालना है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जो भी दलिए को देखकर मुंह बनाता है कि हम नहीं खाएंगे तो इसका कलर देख के वो भी अपने आप खाने के लिए दौड़ाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और कश्मीरी लाल मिर्च डाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिससे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और थोड़ी देर पक जाएँ। तो हमने ये मिक्स कर दिया है इसको अच्छे से। और ध्यान रखना फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम होगी जब भी हम मसाले ऐड करते हैं, क्योंकि अगर फ्लेम हाई हुई तो मसाले तुरंत जल जाते हैं और फिर पूरी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है जो भी चीज़ हम बनाते हैं। तो जब भी हम मसाले ऐड करते हैं तो उस टाइम पे फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए या मीडियम टू लो होनी चाहिए, जिससे कि हम आराम से मसाले ऐड कर सकें और उनके जलने के भी कोई चांस नहीं होते और वह अच्छे से उनमें जो उनका कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हम अच्छे से हो चुका है। अब जो हमने रोस्ट करके जो दलिया निकाला था वो एक कटोरी वो भी इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे हमने एक कटोरी दलिया लिया था तो मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला है, जिससे कि मतलब अच्छे से हमारा जो दलिया है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो 1 कटोरी दलिया और 3 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तब तक हम बॉईल करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। बहुत ही अच्छा दलिया बनता है। वैसे तो सिंपल बनाते हैं पर अगर इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि जल्दी से इसमें बॉईल स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही देखिए इसमें अब धीरे धीरे बॉयल स्टार्ट होने वाला है।
ये देखिए बॉयल स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। अब इसको हम इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ढक्कन जो है वो हल्का सा खुला होना चाहिए जिससे कि वो हवा उसमें से निकलती रहे, क्योंकि अगर हम पूरा सील पैक कर देंगे इसमें तो उसके दलिया के निकलने के चांसेस रहेंगे और हमारा ये बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हल्का सा इसमें रखना है जिससे कि इसकी एयर पास होती रहे। और 10 मिनट के बाद हम ये देखिए ये रिज़ल्ट आया है जिससे कि दलिया बहुत अच्छे से पक चुका है। अगर इसमें आप और इसको ग्रेवी वाला चाहिए तो इसमें आप गर्म पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए पका के खा सकते हैं। वैसे ये पानी इसमें इतना सही है, इतनी ग्रेवी सही है और दलिया भी हमारा अच्छे से पक चुका है। ये दलिया एक बार इस तरीके से बनाओगे ना आपको बहुत पसंद आएगा। ऊपर से अब घी और थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि जो दलिया है उसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए दलिया हमारा तैयार हो गया है, हो चुका है और ये बन के बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही यमी बना है। अगर आप इसको डेली अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर